एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द रियल लाइन ऑन द नंबर लाइन आर रियल लाइन। नंबर लाइन क्या होते हैं, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं आप कि यहाँ क्या होते हैं माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ क्या होते हैं राइट साइड पे क्या होते हैं प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या होता है ओरिजिन इसका 0। आप राइट साइड पे जाएंगे तो +1, +2, +3, +4 सो ऑन। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी मैंने यहाँ। अब कहते हैं इस नंबर को, ये 2/3 है, इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट साइड पे प्लस इन्फिनिटी, राइट साइड पे माइनस इन्फिनिटी और बीच में क्या होता है ओरिजिन 0। जब आप राइट साइड पे जाएंगे तो सॉरी यहाँ प्लस इन्फिनिटी और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा 1, इसके बाद 2, 3, 4 सो ऑन। लेफ्ट साइड पे आएंगे क्या आएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब ये लिखा हुआ है 2/3, आप देखें इसका आंसर आएगा 0 point something आएगा, आंसर आएगा मीन्स इसका जो आंसर है 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो हम ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, हमने क्या कहना है 0 और 3 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ लिखा हुआ है 2/3, नॉमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 तक जाना है। यहाँ क्या लिखा है 1 और ये क्या है 2, इस लाइन इस नंबर को आपने इस डिजिट को शो कर देना है 2/3। दोबारा फिर देखें, सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रा कर रियल नंबर लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2/3, जब इसको डिवाइड करते हैं तो देखें इसका आंसर 0 point something आता है, यानी इसका आंसर 0 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है आपने इस पार्ट को रफली आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 1, 2 और 3। अब 2/3 था तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया 2/3। अब सेकंड पार्ट है -4/5। अब ये देखिए -4/5, पहले तो आपने रियल लाइन ड्रा कर ली इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या आ गया ओरिजिन इसका 0। अब माइनस तो ये -1 आ जाएगा, -2 एंड सो ऑन। इस साइड पे क्या होगा +1, +2 एंड सो ऑन। अब इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0 point something आ रहा है, मीन्स 0 और -1 के दरमियान में क्या कर रहा है, बीच में लाइक कर रहा है। अब डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है तो हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए ऊपर क्या लिखा, तो डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 तक जाएं आप, 1, 2, 3 एंड ये 4। यहाँ आपने क्या करना है, इसको इस नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया आपने -4/5। थर्ड पार्ट इसका 1 whole 3/4, 1 whole and 3/4। तो सबसे पहले तो आपने रियल लाइन ड्रा कर लेनी है, आपने लेफ्ट साइड पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या आ गया 0 ओरिजिन, 1 whole 3/4। अब देखिए यहाँ आएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। वन होल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, 1 whole 3/4। अब आपने यहाँ आगे करने हैं, इसके 3/4 डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो इसके 4 पार्ट्स बना लेने हैं आपने, 0 से लेकर 2 तक आपने इसके 4 पार्ट्स बना लेने हैं। 1 whole मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो कंप्लीट आएगा, इसके बाद 3/4 4 पार्ट्स बनाते हैं, 1, 2, 3 एंड ये 4। ठीक है, अब 3/4 है तो यहाँ से 3 तक जाना आपने, 1, 2, 3। ये नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 whole 3/4 को। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है -2 whole 5/8। तो पहले आपने रियल लाइन ड्रा करनी है, यहाँ रियल नंबर लाइन ड्रा कर ली, बीच में क्या आता है 0, यहाँ क्या आता है प्लस इन्फिनिटी,
और ये क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और माइनस टू होल है तो इसका मतलब आपने लेफ्ट साइड पे आना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है वन माइनस वन, इधर क्या होना चाहिए माइनस टू एंड सो वन। ये रफ सी लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, इस साइड पे क्या होगा प्लस वन और क्या होगा प्लस टू एंड सो वन। अब माइनस टू होल लिखा हुआ है, माइनस टू होल, अब यहाँ इधर क्या आगे क्या आएगा थ्री भी आएगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ इधर माइनस थ्री एंड सो वन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको माइनस इन्फिनिटी। इस साइड पे फिर ऐसे ही आएगा प्लस थ्री एंड सो वन। अब देखिए माइनस टू होल फाइव बाई एट, जब फाइव बाई एट इसको डिवाइड करते हैं जीरो पॉइंट समथिंग आंसर आता है। इसका मतलब है माइनस टू ये तो कम्प्लीट आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस टू कम्प्लीट आएगा। इसके बाद लिखा फाइव ओवर एट, अब माइनस टू से जो आगे है इसके हमने एट पार्ट बनाने हैं, इसका आंसर माइनस टू से लेकर माइनस थ्री तक आएगा, तो यहाँ मैं इसके एट पार्ट बना ले तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब इसमें क्या लिखा हुआ था फाइव ओवर एट, तो मैंने फाइव तक जाना है यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव, ये नंबर मैंने चूज़ कर लिए यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस टू होल फाइव ओवर एट। मीन्स इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेट नंबर रिप्रेजेंट करें ज़ीरो से लेकर, और माइनस टू होल फाइव बाई एट को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, फाइव पार्ट है, टू होल थ्री बाई फोर, तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे पहले हम इसकी। यहाँ क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पर आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये ओरिजिन क्या है इसका ज़ीरो, टू होल वन टू थ्री एंड सो वन। इस साइड पे क्या होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो वन। अब टू होल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टू होल बन गया, थ्री बाई फोर, अब थ्री बाई फोर यानी कि टू और थ्री से हमने यहाँ इसके फोर पार्ट, जितना डिनोमिनेटर में लिखा होता है डिजिट वही आपने क्या करना है इसके पार्ट बनाने, यहाँ फोर लिखा है इसके फोर पार्ट्स बना लेने हैं, वन टू थ्री एंड ये फोर। अब थ्री बाई फोर है तो थ्री थ्री तक जाना आपने, ये वन टू और ये थ्री, अब ये आपके पास नंबर आ गया टू होल थ्री बाई फोर।